ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बारे में आपको तो पता ही होगा, जहां तीन ट्रेनें हादसे का शिकार हुई जिसमें 280 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस ट्रेन हादसे के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में कवच तकनीकी। कहा जा रहा है कि अगर ट्रेनों में कवच लगा होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। तो फिर आइए जानते हैं कि क्या है कवच और क्या कवच तकनीकी बालासोर जैसे हादसे को रोक सकती थी। क्या है कवच? यह तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय रेलवे दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी रेलवे है। पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारतीय रेलवे ने न सिर्फ ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर यात्रा समय को कम किया है, बल्कि यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली भी बनाई है। इसे भारतीय रेलवे ने RDSO के साथ विकसित किया है, पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित। इसे ही कवच नाम दिया गया है। कैसे काम करता है कवच? दरअसल यह सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को, ट्रेन ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। यह सिस्टम अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है और सिस्टम को पता चलता है कि उसी ट्रैक पर सामने और भी कोई ट्रेन है, तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और वे ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर दोनों ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। कब हुआ परीक्षण? वैसे तो इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू कर दिया था। तब इसका नाम ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS था। रिपोर्ट के अनुसार इसका पहला ट्रायल 2016 में हुआ था और 2022 से इस कवच को ट्रेनों में परीक्षण के बाद लगाने का काम शुरू हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 2164 किलोमीटर के लिए कवच प्रणाली को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसे पूरे देश में लगाने के लिए प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या कवच से नहीं होता ये हादसा? कवच क्या है और कैसे काम करता है ये तो जान लिया। ऐसे में सवाल ये है कि कवच से इस ट्रेन हादसे को रोका जा सकता था। इस सवाल का जवाब वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक कहे जाने वाले सुधांशु मणि ने दिया है। उनके अनुसार कवच प्रणाली आमने सामने से ट्रेनों के टकराव को रोकने के लिए बनी है। अगर डीरेल की दुर्घटना हुई है तो कवच प्रणाली भी एक्सीडेंट को रोक नहीं सकती थी। इस दुर्घटना को लेकर दो संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहला ये है कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई और उसके डिब्बे दूसरी लाइन पर चले गए, जिस पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। जबकि दूसरा ये है कि यहाँ कोई मानवीय चूक हुई है। इस ट्रेन को बाहरनागा स्टेशन पर बिना रुके सीधा गुजर जाना था, लेकिन ये ट्रेन स्टेशन पर मेन लाइन की जगह लूप लाइन की तरफ चली गई, जहाँ लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोको पायलट को पहले लूप लाइन से गुजरने का सिग्नल दिया गया और बाद में उसे तुरंत ही बदल दिया गया, लेकिन तब तक ट्रेन ट्रैक को बदलकर लूप लाइन पर जा चुकी थी, जहां उसकी सामने से मालगाड़ी से टक्कर हो गई और उसके डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरी लाइन पर चले गए। उसी दूसरी लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिससे वह भी हादसे का शिकार हो गई। दोनों ही कंडीशन में कवच प्रणाली हादसे को रोकने में कामयाब हो पाती इसकी संभावना ना के बराबर लगती है। वैसे भी इन ट्रेनों में इस रूट पर अभी कवच सुरक्षा सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया है। फिलहाल इस हादसे की जांच और सच सामने आना चाहिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें।